Hey, hello everyone. This is Gaurav Tiwari and I welcome you again in this series of aptitude where we are discussing the number system. और अभी हमने पिछली क्लास तक देख लिया है जो जो मैंने आपको सिखाया है कि किस तरीके से यूनिट डिजिट्स की कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिप्स हम अप्लाई करेंगे. अब उन ट्रिक्स और टिप्स को अप्लाई करने का समय आ चुका है यूजिंग द क्वेश्चंस. ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस जरूर बताए हैं, बट वो जो क्वेश्चंस थे उसमें बेसिकली लास्ट डिजिट जो है 0, 1, 5 या 6 होती थी, या तो 4 या 9. उससे क्या एडवांटेज हमारे पास होता है, अगर 0, 1, 5 या फिर 6 हो तो कोई चेंज नहीं होता हमारे आंसर के अंदर, यूनिट डिजिट वही की वही रहती है. लेकिन अगर मैं बात करता हूं 4 और 9 की, तो अगर 4 की पावर होती है इवन तो आंसर होता है 6, जबकि 4 की पावर ऑड होती है तो आंसर होता है 4. सिमिलरली 9 की जब पावर होती है इवन तो आंसर होता है 1, और 9 की पावर जब इवन होती है तो आंसर होता है 1, यस, और 9 की पावर जब ऑड होती है तो आंसर होता है 9. नाउ वी नीड टू लुक एट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेयर द लास्ट डिजिट इज अदर देन 0, 1, 5, 6, 4 एंड 9. तो देखिए ये क्वेश्चन मेरे सामने है, 623 की पावर 49, और मुझे बताना है कि इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो लास्ट डिजिट क्या होगी. देखिए इसकी ट्रिक क्या है. ओके, तो देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है. देखो आपको ये देखना है कि पावर क्या है और लास्ट डिजिट क्या है. लास्ट डिजिट क्या है, 3. क्या आपको 3 की सीरीज याद है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको याद कराई थी कॉमेडी कर करके? आपको याद है 3 की सीरीज, बताइए. 3, वेरी गुड. इसके बाद 9, वेरी गुड. देन 7, देन 1. 3, 9, 7, 1. 3, 9, 7, 1. 39, 71. याद कराया था ना आपको, ये 3 की सीरीज है, ये आपको याद होना चाहिए. आपको क्या करना है, ट्रिक क्या कहती है, आप जो भी पावर दी हुई है उसको 4 से डिवाइड करिए. ठीक है, जो भी पावर दी हुई है उसको 4 से डिवाइड करिए, है ना. और अगर रिमाइंडर आता है 1, अगर रिमाइंडर आता है 1 तो ये आंसर होगा. अगर रिमाइंडर आता है 2 तो ये आंसर होगा. अगर रिमाइंडर आता है 3 तो ये आंसर होगा. और अगर रिमाइंडर आता है 0 तो ये आंसर होगा. अब ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि ये आंसर होगा, लेकिन ये कैसे होगा इसको समझते हैं हम. देखिए वैसे अभी फिलहाल मैं बात करूंगा आपसे, 49 है, अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करूं, मुझे पता है अगर मैं 49 को 4 से डिवाइड करता हूं तो देखिए 4 1 4 हो जाएगा, ये हो गया 9, 4 2 हो गया 8. देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है यहां पर, 1, तो डायरेक्टली आंसर में 3 बोल सकता हूं. लेकिन अब ये 3 कैसे आंसर है इस पर थोड़ा सा हम लॉजिकली देखते हैं. देखिए होता क्या है, जब भी मैं 3 की पावर्स करता हूं, ठीक है, तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, इसमें लास्ट डिजिट होती है 3, 9, 7, 1, और इसके बाद यही वापस से रिपीट होने लगता है. मतलब 3, 9, 7, 1, फिर जब पावर 5 करोगे तो वापस 3 आ जाएगा, पावर 6 करोगे तो वापस 9 आ जाएगा, पावर आगे बढ़ाओगे तो 7 आ जाएगा, आगे पावर बढ़ाओगे तो 1 आ जाएगा. मतलब ये 4, 4 के इंटरवल के बाद आप घूम के कहां आ जाते हो, वापस घूम के वहीं के वहीं आ जाते हो. एक राउंड के बाद आप कहां आते हो, अगर लेट से मैं अभी फिलहाल फर्स्ट पे हूं 3 की पावर 1 पे, तो एक राउंड बाद मैं कहां आऊंगा, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4. मतलब एक राउंड के बाद मैं फोर्थ पोजीशन पे पहुंच जाता हूं, और जैसे ही नेक्स्ट शुरू होगा तो वापस वहीं का वहीं हो जाता हूं. मतलब कि 3, 9, 7, 1 आता है, है ना, तो फोर्थ नंबर पे क्या आता है, 1, फिर फिफ्थ पे वापस से क्या आता है, 3, फिर 6th, 7th, 8, फिर 9th पे वापस से क्या आएगा, 3, है ना. तो यहां पे मैं करता क्या हूं, बेसिकली इसको डिवाइड करके 4 से डिवाइड करके मैं देखता हूं कि जो क्वोशेंट आता है, मतलब इतने चक्कर हो चुके हैं 12 चक्कर हो चुके हैं. 12 चक्कर के बाद आप कहां पहुंच चुके हो कि बताइए. 12 चक्कर के बाद मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, क्या आप यहां पे होगे या यहां पे, आप यहां पर होगे 12 चक्कर के बाद, क्योंकि एक चक्कर के बाद 1, 2, 3, 4 करने के बाद एक चक्कर कहलाता है. तो एक चक्कर के बाद आप फोर्थ पोजीशन पे आते हो, फिर वापस से सेकेंड चक्कर के अंदर आप शुरू होते हो 3 से. तो याद रखना है कि जो क्वोशेंट होता है उससे हम कहां तक आ जाते हैं, आखिरी तक, ठीक है. और रिमाइंडर जो भी रिमाइंडर है उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है. जैसे 1 रिमाइंडर है तो एक बार और आगे बढ़ जाइए, यहां से यहां पे पहुंच गए थे 12 चक्कर के बाद, एक और आगे पहुंच जाइए तो वापस हम यहां पे आ जाएंगे, मतलब 3 आंसर होगा. इन जनरल मैं आपको समझाऊं तो आप, अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं भी समझ में आ रहा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है. हमें करना क्या है इसके अंदर, हमें करना यह है कि जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसके हिसाब से आंसर बता देना है. रिमाइंडर 1 है तो ये, रिमाइंडर 2 है तो ये, रिमाइंडर 3 है तो ये, और रिमाइंडर 0 है तो ये. रिमाइंडर 0 पर ये आंसर क्यों आता है, क्योंकि लेट से अगर यहां पर एग्जांपल के तौर पर 48 होता,
समझने के लिए, तो ये 12 टाइम्स हो जाता, ये जीरो होता। तो यहां पर क्या क्या होता कि क्योंकि 12 चक्कर कंप्लीट हुए और आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो 12 चक्कर बाद आप ऑलरेडी कहां पर होते, इस वन पर, इसलिए डायरेक्टली ये आंसर हो जाता। चलिए अगर आपको अभी भी मेरी चीज समझ में नहीं आ रही है तो एक एग्जांपल और लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे 627 की पावर 52 दी हुई है, चले पहले 3 वाली ये क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है। 313633 की पावर लेट से 333, ठीक है, ये क्वेश्चन है। मुझे बताना है कि बेसिकली इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। मेरा काम क्या है, देख लिया कि 3 लिखा हुआ है यहां पर, अब इसको 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, इसको 4 से डिवाइड करना। चलिए ओरली करें डिवाइड, हेल्प करेंगे मेरी, करिए। 333 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 6 24 4 4 8 32, 32 पर 3 8 32 पे पहुंच जाएंगे, 13 बचेगा, 12, वन रिमाइंडर आ रहा है, तो 3 आंसर होगा। देखिए समझिए आप, मैं 4 से अगर उसको डिवाइड करता हूं, 4 8 कितना आ रहा है, 32, 13, 4 3 12, देखिए कितना है अभी भी, 1, तो 3 आंसर है। अगर रिमाइंडर 2 आता तो क्या आंसर होता, हमें सीरीज याद होना चाहिए, 3 9 7 1, ये सीरीज है, तो ये आंसर होता, 2 पे होता, 3 होता तो ये आंसर होता, और 0 होता तो ये आंसर होता। सर 4 रिमाइंडर होगा तो, 4 रिमाइंडर हो ही नहीं सकता क्योंकि आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो 4 कैसे रिमाइंडर होगा। बात समझ में आ रही है, और एग्जांपल्स देखते हैं समझने की और ज्यादा कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिया 627 की पावर 52, अब इसके लिए आपको 7 की सीरीज याद होनी चाहिए जो मैंने याद कराई थी। बताइए 7 की सीरीज क्या है, 7 9 7 9 3 1, ये थी किसकी सीरीज, 7 के लिए। 52, क्या 52 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर आता है, कोई रिमाइंडर ही नहीं आएगा, डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा, 4 1 4 और 4 3 13 टाइम्स में हो जाएगा, जब कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा तो ये वन आंसर है। बहुत सिंपल बात है बेटा, बहुत बहुत सिंपल बात है, 0 रिमाइंडर तो लास्ट वाला आंसर। आप बोलेंगे सर ये कैसे हो रहा है, अरे कैसे हो रहा है क्या, बहुत सिंपल है। 13 मतलब जब आप बेसिकली, मैं अगर 52 को बात करूं तो 52 को मैं कैसे लिख सकता हूं, जैसे 7 की पावर मैं देख रहा हूं 52, क्योंकि मैं सिर्फ लास्ट डिजिट पे ध्यान दूंगा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं मुझे, 7 की पावर 52, तो इसको मैं कैसे लिख पा रहा हूं, 7 की पावर ये आ रहा है 13 और 4, मतलब 7 की पावर 4 की पावर 13। अब ज्यादा लॉजिक अगर आप मांगेंगे तो मैं समझा रहा हूं आपको, तो 7 की पावर 4 पे क्या होता है, आप घूम के वहीं वापस आ जा रहे हो, ऐसे करके आप 13 बार आपको घूमना है, यही चीज 13 बार लिखना है आपको, तो घूम घाम के वहीं पे वापस आ जाओगे वन पे। आप लोग सर वापस तो इधर आएंगे ना, अरे वापस वन पे कैसे आओगे यार, लास्ट पे वापस आएंगे अपन भाई, मतलब कि एक एक चक्कर के बाद, है ना, 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे अपन कि एक चक्कर हो गया। अब सेकंड चक्कर स्टार्ट कहां से होगा, वापस इस पोजीशन से, समझ में आ रही मेरी बात, वो नेक्स्ट चक्कर है हमारे लिए। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे और वो भी बिल्कुल क्विकली। 572 की पावर 443, क्या आपको 2 की सीरीज याद है, बिल्कुल याद होनी चाहिए, 2 4 8 6, ये होती है 2 की सीरीज। 443 को मैं डिवाइड करता हूं जरा 4 से, तो 4 1 4 हो जाएगा भैया, 4 1 4 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया आपका यहां पे 0, तो यहां 3 उतार देंगे, यहां 0 उतार जाएगा, ठीक है, हमें इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर। यहां पे रिमाइंडर आ रहा है 3, ठीक है, रिमाइंडर 3 आ रहा है, क्या आंसर है बोलिए, आंसर है 8, सो सिंपल, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, रिमाइंडर 1 ये आंसर, रिमाइंडर 2 ये आंसर, रिमाइंडर 3 ये आंसर, रिमाइंडर 0 ये आंसर। लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे आप मुझे, मैं बिल्कुल भी इसमें आपकी हेल्प नहीं करूंगा, आप बताइए इसकी, इसका आंसर आप मुझे खुद बताएंगे। 128 की पावर 14, चलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बताइए। 8 की सीरीज 8 4 2 6, ये होती 8 की सीरीज, बताइए आंसर, मैं वेट कर रहा हूं आपका आंसर। 14 इसको 4 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा, 4 आंसर है। कितनी सिंपल बात है, कितनी सिंपल बात है बेटा, सेकंड के अंदर बताना है अपन को, ज्यादा समय नहीं लगाना, 10 सेकंड और आंसर। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप बिल्कुल फटाफट ट्राई करिएगा देख करके कि किस तरीके से आप आंसर निकाल पाते हैं, मैं देखता हूं आप आंसर निकाल पाएंगे कि नहीं, ठीक है। चलिए मैं आपसे बोलता हूं, रेंडमली दे रहा हूं कुछ भी, ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से। 521 की पावर 16, यूनिट डिजिट क्या होगी,
10 सेकेंड है, बिल्कुल सही आंसर, लास्ट डिजिट 1 है, 1 पे कोई चेंज होता ही नहीं है, यूनिट डिजिट क्या होगी हमारे पास 1 होगी। सेकेंड 556 की पावर 4, यूनिट डिजिट क्या होगी 5 सेकेंड है, बिल्कुल सही जवाब, आंसर 6 है क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, 6 पे नो चेंज। अब बताइए आंसर इज 1 क्योंकि 9 की पावर इवन नंबर है, 9 की पावर इवन नंबर पर क्या होता है 1 आंसर होता है। ठीक है अगला क्वेश्चन 334 की पावर 21, 3 सेकेंड, बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर 4 का 4 ही रहेगा क्योंकि 4 है और यहां पर एक ऑड नंबर है। देखा आपने, और क्वेश्चंस पूछता हूं और ट्राई करिए। की पावर 613, चलिए निकालिए, 2 है, 2 की सीरीज 2486, ये रही 2 की सीरीज, 613 को डिवाइड करिए जल्दी से 4 से, 4 1 4, 2 बचा, 4 5 20, 1 बचा 13, 4 3 12, कितना बचा 1 बचा, 1 बचा, आंसर इज 2। समझ में आया आपको कितना इजी है ये करना। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, यहां पर इसको और अच्छे से करते हैं। ठीक है सही किया ना, ये 4 1 4, 2 बचा है और यहां पे 1 4 5 20, 1 बचा है 3, ओके ठीक है। चलिए अब आप ट्राई करिए 697 की पावर 796, 796 को हम डिवाइड करेंगे किससे 4 से, 4 1 4, 3 36, अरे ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो लास्ट टर्म आंसर होगी, लास्ट टर्म क्या होती है 7 की सीरीज में 7 9 3 1, 1 इज द आंसर, 1 इज द आंसर। आपको समझ में आया, चलिए अब एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, देखते हैं आप इसका आंसर बता पाते हैं कि नहीं, सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना है। ठीक है चलिए 39398 की पावर 8902, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे सभी लोग। चलिए ट्राई करिए अभी, आई होप कि आपने आंसर निकाल लिया होगा, तो जो भी आपका आंसर है इसको कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख के बताएंगे, सभी लोग बता रहे हैं, आई होप कि सभी लोग इसका आंसर बिल्कुल सही कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है इस क्वेश्चन का, ऑल द बेस्ट, अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल को हमारे, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।